Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to study about a very important chapter for BA 4th semester student of political science. आज हम जो chapter करने जा रहे हैं उसका name है India's foreign policy, जिसके अंदर हम उसके basic determinants होंगे जिसे हम factors भी बोलते हैं and principles के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया की जो foreign policy है वो क्या है, वो क्यों लेके आए थे, क्या ज़रूरत पड़ी थी फॉरेन पॉलिसी लाने की, और जो अब के जो नेहरू जी लेके आए थे फॉरेन पॉलिसी और जो मोदी की नेशनल फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी, उसका क्या स्कोप है, क्या अरीना है और क्या एजेंडा लेके उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं. जो आपको देखो 18 मार्क्स में तो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ही है. 2 मार्क्स के लिए आपको पंचशील पूछ लेते हैं. व्हाट इज़ पंचशील? पंचशील जो 5 प्रिंसिपल्स हैं फॉरेन पॉलिसी के उन्हें कहते हैं, जो आप हमेशा पास्ट ईयर्स के अगर क्वेश्चन उठा के देखोगे आपको मिलेगा. सबसे पहले देखो फॉरेन पॉलिसी क्या होती है. देखो जब हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 के बाद, हमने देखो क्या देखा कि हम इंडिया में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, हम दोबारा से गुलाम ना बन जाएं उसके लिए एक न्यूट्रल अप्रोच तो अपनानी ज़रूरी थी. उसके साथ साथ हम ऐसी सिचुएशन में नहीं थे कि हम सोशल इकोनॉमिकली या टेक्नोलॉजिकली रूप से डेवलप हो सके, तो हमें वेस्टर्न कंट्री से हेल्प लेनी पड़ी, उनके साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाने पड़े. तो वही फॉरेन पॉलिसी का काम है. हम किसी के साथ वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे पर सबके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो जाता है, पाकिस्तान अब अलग देश बन जाता है और इंडिया अपना अलग था. अब देखो अगर दोनों में फ्रेंडली, वैसे तो कहते हैं कि दोनों के अंदर एनिमी है, एनिमी नहीं है वो, दे आर द कॉर्डियल रिलेशनशिप, हमें उनके साथ बनाना पड़ेगा, उनके साथ हमें ट्रेड करना पड़ेगा, हम करते भी हैं उनके साथ आज की डेट में ट्रेड हो गया, तो उनसे क्या किस लिए कर रहे हैं हम, तो हमारे साथ उनके रिलेशन अच्छे बने रहें ताकि हम कोई हेल्प वो हमारी कर दे, हम उनसे कोई हेल्प ले लें, पर वो बाउंड्री डिस्प्यूट के कारण उनके साथ रिलेशन हमारे डिस्प्यूट चलता ही रहता है. दूसरा कारण ले सकते हैं हम श्रीलंका के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, क्योंकि देखो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, नेबरिंग कंट्री, जैसे हम इंडिया का अगर मैप देखें, अगर ये अच्छा नहीं बन पाया मैप, जैसे सोचो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, यहाँ श्रीलंका हो गया, यहाँ आपका क्या हो गया पाकिस्तान की साइड हो गई, इधर की साइड आपका चाइना हो गया, तो हमें क्या है इनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना पड़ेगा. अगर हम इनके साथ कोई ट्रेड नहीं करते हैं, कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं करते हैं, तो ये हमारी कंट्री में क्या है कब्ज़ा करने की कोशिश करेंगे, जो पाकिस्तान कर रहा है, चाइना कर रहा है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से, ठीक है. तो हमें इन सब के साथ मिल बांट के रहना है जैसे हम अपने नेबर्स के साथ रहते हैं. तो ये क्या होता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बेसिक यही था प्रिंसिपल्स. अब बाकी देखो क्या है, अब हम स्टार्ट करते हैं. मीनिंग जब भी आपको पूछोगे कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपको अपने इंटरेस्ट को सेव करना है. इम्पॉर्टेंट एसेंशियल फंक्शन आर स्टेट का जो एक अडॉप्ट करती है पॉलिसी, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ इज नेशनल इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन रिलेशन विद अदर स्टेट. अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके हम दूसरे स्टेट के साथ रिलेशंस बनाते हैं, वही हमारी कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन. जो आप 6th सेमेस्टर में पढ़ोगे, अभी तो आपको पास 4th सेमेस्टर है, 6th सेमेस्टर में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस आएगा और उसका क्या इमर्जिंग ऑर्डर है, क्या कैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कि सब कुछ आप उसमें पढ़ोगे. तो फॉरेन पॉलिसी का मेन पर्पस होता क्या है, इसलिए होता है कि हम एक पॉलिसी के रूप में एक इंटरनेशनल एरिया के अंदर कंट्रीज़ में अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर पाएँ. अभी हम यूएन के मेंबर हैं, यूएन में मोदी जी स्पीच देने जा रहे हैं, किस अथॉरिटी से जा रहे हैं, हम यूएन के मेंबर हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे हम फोकस करते हैं, उन पे काम करते हैं, इसी कारण ये फोस्टर्स करते हैं हम किसके लिए, हमारे जो नेशनल के इंटरेस्ट हो इंटरनेशनल एरिया में जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पाकिस्तान में, अभी आपने न्यूज़ देखी होगी, पाकिस्तान थोड़े 1-2 साल पुराने हैं ये, पाकिस्तान और इंडिया में एक डिस्प्यूट चला कुलभूषण जाधव के ऊपर. इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान वाले वो इंडिया वाले कहते उसने हमारे एक मिलिट्री पर्सन को किडनैप करके पाकिस्तान ले गए, पाकिस्तान वाले कहते ये जासूस है, हालांकि पाकिस्तान के जेल में ही वो बंद है कुलभूषण जाधव, पर उसका जो ट्रायल है वो कहाँ चल रहा है, उसका केस कहाँ चल रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक ऐसी बॉडी है जो इंटरनेशनल स्टेट्स के लिए
अब हम अब पाकिस्तान कहेगा वो तो मेरी कंट्री में ट्राई होगा, इंडिया कहेगा वो तो मेरी कंट्री में ट्राई होगा, मतलब उसका केस चलेगा। पर नहीं, हमने क्या चूज़ करा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनली हम अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये भी एक आप देख सकते हो इंडिया की ऐसे जान पहचान है। अब देखो क्या है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, आप कोई भी दो डेफिनेशन ले सकते हो। फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, बंडल ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर मैं अपना काम करूँगी, जिसके जिससे बाहर मैं जाके इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं बना सकती, कुछ ऐसे तौर तरीके हैं, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मैंने आपको बेसिक ऊपर ऊपर से सारा बता दिया कि आपको चैप्टर पढ़ते टाइम डिफ़िकल्टी ना आए, ठीक है। टू मेंटेन देखो यूनिटी इंटीग्रिटी बनाने के रखना, पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ द कंट्री की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो सके। अब जो बाहर की कंपनीज है, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस एन मल्टीनेशनल कंपनी है पर उसकी कंपनी की ब्रांचेज इंडिया में भी ओपन है, तो ये इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही। कोका कोला है जो कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चर कंपनी है लार्जेस्ट, उसकी ब्रांचेज इंडिया में भी है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस को शो कर रहा है, हमने उन्हें एक मौका दिया है, उन्होंने हमें एक मौका दिया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस बन रहे हैं। और फॉरेन पॉलिसी को देख के, वो प्रिंसिपल्स को देख के ही बन रहे हैं, ये नहीं वो एकदम ही अपने आप को एस्टैब्लिश कर दे, एकदम आके ईस्ट इंडिया कंपनी ना बन जाए। तो उसके लिए फॉरेन पॉलिसी ज़रूरी है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपना छोटा मोटा ट्रेड लेके आए थे, उसके बाद यहीं एस्टैब्लिश करके इंडिया पर राज करके चले गए, तो इस दोबारा से ऐसी स्थिति ना बने, तो फॉरेन पॉलिसी लॉज एंड रेगुलेशन उस चीज़ के लिए है, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट का, तो हमने ये देख सकते हो आप यहाँ यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं इंडिया वाले। उसके बाद कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंडिया फॉरेन पॉलिसी को इफेक्ट करते हैं, पहला डोमेस्टिक फैक्टर्स जिसे हम नेशनल फैक्टर्स बोलेंगे, और दूसरा इंटरनेशनल फैक्टर। पहला देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, इसका मतलब कि हम नेबरिंग कंट्री है, साथ में नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमें उनके साथ फ्रेंड रिलेशन बना के चलना पड़ेगा क्योंकि हमारी उनके साथ बाउंड्री टच होती है। लोकेशन जैसे साउथ में इंडियन ओशन है, यूएसए का कंट्रोल था, अगर यूएसए और यूएसएसआर को ज्वाइन करते हो अटैक हो जाता। इस तरीके से है कि चाइना भी ट्राई कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है वो इंडिया के ऊपर बाउंड्रीज को, ठीक है। तो हमें नेबरिंग कंट्रीज़ की वजह से इंटरनेशनल पॉलिसी अपनी बना के रखनी पड़ती है, रिलेशन बना के रखने पड़ते हैं बाउंड्रीज की वजह से, ठीक है। हिस्टोरिकल फैक्टर है, पीस शांति, एक शांति वाली कंट्री रह चुकी है इंडिया, ठीक है, इसके लिए हमें दूसरे कंट्रीज़ के साथ पीस रिलेशनशिप बनाने पड़ते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उनकी कंपनीज़ वगैरह यहाँ ओपन कराने के लिए, अपनी कंपनीज वहाँ एक ट्रेड व्यापार के लिए, ठीक है। जैसे अभी आपकी एक पॉलिसी आई थी 1991 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर क्या हुआ था, अभी इंडिया का है ग्लोबल विलेज है, अब कोई भी आके व्यापार कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर बढ़ चुका था, लिबरलाइजेशन इतने टैक्सेस इम्पोज नहीं कर रहे थे। आइडियोलॉजिकल फैक्टर होता है कि अब गांधीज़म सोशलिज़म लिबरलिज़म वेस्टर्न विजिबल होता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे। नेशनल इंटरेस्ट आते हैं लोगों के। पर्सनल फैक्टर आता है कि हम किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं, नॉन अलाइंड। नॉन अलाइंड का मतलब ही होता है कि हम किसी कंट्रीज़ के साथ जुड़ेंगे नहीं, ना हम पाकिस्तान वाली साइड है ना हम यूएसए वाली साइड, हम अपनी अपनी आइडेंटिटी में है, अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस में हम, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। तो ये फॉरेन पॉलिसी इसके लिए ज़रूरी, इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कि हमें अभी वॉर जैसे शुरू हो जाए, सोचो जैसे यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही थी, इमर्जिंग अगर दोबारा से ऐसी सिचुएशन ना हो, हमें फ्रेंडली रिलेशन बना के रखने पड़ेंगे कंट्रीज़ के साथ, हमें क्या बोलते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। इसलिए अभी हम देख लेते तो फैक्टर्स हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, सोवियत यूनियन जब टूटा था 1991 में, आपके पता ही होगा 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वार चलती रही, ठीक है, आपको पता ही यूएसए और यूएसएसआर में कोल्ड वार चलती रही। 91 के बाद जब यूएसएसआर टूट गया तो आपका क्या बन गया, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब कि अब एक ही शक्ति रहेगी, वो क्या थी, यूएसए, जो कंटिन्यू रही 2000 तक।
उसके बाद आपका मल्टीपोलर शुरू हो जाता है। मल्टीपोलर मतलब अब बड़े सारी कंट्रीज हैं वो पावरफुल हैं, सिर्फ अमेरिका नहीं है, इंडिया, चाइना, जापान, ये सारे मल्टीपोलर में आ गए आफ्टर 2001 के बाद। ठीक है, फ्रेंड रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज, रिलेशन कॉमनवेल्थ नेशन जो थे, कॉमनवेल्थ जो नेशंस आपके कौन से होते हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनी से नवे नवे आज़ाद होते हैं वो कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन में जिसका फेथ है, आपका एफ्रो एशियन कंट्रीज़ का इमर्जिंग हो रहा था, ये आपके डिटर्मिनेंट्स आ गए। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या हैं जो आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, वो क्या है? एक तो नॉन अलाइनमेंट है। हमने देखो जब सेकंड, जब आपके थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चली थी, आपकी क्या चली थी, मतलब कि आपकी अब देखो जो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसमें है क्या, इसमें ये है कि जब 1945 में जब देश जो था, सारे जो कंट्रीज थी, वर्ल्ड था, टू ब्लॉक्स में डिवाइड था। एक कह रहा था यूएसए की साइड बन जाओ, एक कह रहा था यूएसएसआर की साइड। पर इंडिया ऐसी कंट्री थी, हमने किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करा था क्योंकि हम इस जोर तोड़ के नारा उसमें थे। हमने सोचा था कि हम पहले से किसी के गुलाम रह चुके हैं, बड़ी मुश्किल से हमें आज़ादी मिली 1947 में, तो हमने किसी को ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करा था। हमने 1991 तक, मतलब कि अभी तक हमने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करा, हम सबको कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये था नॉन अलाइंड, किसी भी ग्रुप के साथ नहीं जुड़ना। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं नॉन अलाइंड के, तो वैसे तो आपके पास एक बड़ा चैप्टर है ही, पर आप थोड़ा पढ़ सकते हो। नॉट टू इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अगर किसी की लड़ाई झगड़े हैं तो हम उस पर इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये नहीं हम अपनी आर्मी भेज के उनके साथ लड़ना शुरू कर देंगे। हम मिलिट्री के जो अलाइंसेज होंगे, अगर मिलिट्री के उनके जोड़ होएगा किसी के साथ, हम उसमें नहीं ज्वाइन करेंगे। हम किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, जैसे कि यूएसए या यूएसएसआर था, हमने किसी को ज्वाइन नहीं करा था। हम सबकी शांति में बिलीव करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में। टू हैव इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होगी, हमारी अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होगी और हम एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं आएंगे। ठीक है, ये था इसमें। उसके बाद कहता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन में हमारा फेस था, आप यही लिख सकते हैं उसमें कि हमने किसी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करा, हम सब क्या फ्रेंड रिलेशन बनाना चाहते हैं, हम किसी कंट्री के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, हमने वेस्ट कंट्री के साथ साथ ईस्ट कंट्रीज में की डेवलपमेंट के लिए रिलेशंस बनाए हैं, उनके साथ आदान प्रदान शुरू करा, उनके साथ ट्रेड करना शुरू करा, क्योंकि वेस्ट कंट्रीज आपकी हो गई इंग्लैंड हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, यहाँ का कल्चर तो बड़ा पॉपुलर है ही और वहाँ का हम कॉपी भी करते हैं कल्चर को और वहाँ के कल्चर से हम सीखते भी हैं। पर ईस्ट कंट्रीज थोड़ी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो हमने क्या सोचा है उनकी डेवलपमेंट के लिए हम उनके साथ रिलेशंस बनाएंगे अच्छे। उसके बाद क्या होता है, फेथ इन यूनाइटेड नेशन, जैसे यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडी है वो आपको पता ही है, एक पीस मेकिंग बॉडी है, उसके अंदर हमारा अटूट विश्वास है। उसके बाद क्या होता है, इंडिया सजेशंस, ये सारे सजेशन है। डिसआर्ममेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सपोर्टर ऑफ डिसआर्ममेंट, मतलब कि हमारा बिलीफ किस पे है कि दुनिया में कह रहे शांति रहे, अमन रहे, तो हम जो भी है ये जिसका वेपन्स वगैरह होते हैं, आर्म्स वगैरह होते हैं, हम इसके ज़्यादा प्रोडक्शन में बिलीव नहीं करते, हम कहते सारे पीसफुल रहे। ठीक है, लिमिट लगाएं आर्मामेंट की, हम ये ना दिखाएं हाँ जी हमारे पास ये है, आपके पास ये है, हम न्यूक्लियर बम वहाँ घेर देंगे, ये नहीं। कंट्रीज़ की हेल्प भी करें जो कंट्री स्लेव है, मतलब कि उस टाइम क्या था, कुछ कंट्रीज किसी के कब्जे में थी, उन पे कोई और राज कर रहा था, उनकी हेल्प करें, स्लेव कंट्रीज़ की हेल्प करें। पंचशील, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे हमेशा पूछा ही जाएगा, लॉन्ग में हो चाहे शॉर्ट में हो, आपको पंचशील वाला क्वेश्चन हमेशा मिलता ही मिलता है। नेहरू जी लेके आए थे पंचशील, पांच प्रिंसिपल थे फॉरेन पॉलिसी के, कब लेके आए थे, जब उनकी ट्रीटी हुई थी तिब्बत में ऑन चाइना के साथ, इंडिया एंड चाइनीज, देखो इंडिया एंड चाइनीज, ये इसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ईयर याद रखना है आपने, 1954 में इंडिया चाइना के, जब भी आप पंचशील लेके आए थे उसका बेसिस क्या था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरी कंट्री की इंटीग्रिटी की, नॉन एग्रेशन करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के अफेयर में, इक्वालिटी रखेंगे। ठीक है, इक्वालिटी, म्यूचुअल कोऑपरेशन और अडॉप्ट करेंगे पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, ये आपका हो गया पंचशील।
यूज़ ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस। हमारा मतलब है कि अगर पीसफुल पर्पस के लिए कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए हमें अगर एटॉमिक एनर्जी यूज़ करनी पड़े तो हम करेंगे। तभी हमने CTBT की जो वो थी ट्रीटी थी हमने साइन नहीं करा। उसमें क्या था कि हम कभी अपनी न्यूक्लियर एनर्जी नहीं यूज़ कर पाएंगे। वो हमारे से इंडिया से 1996 में साइन करा रहे थे आफ्टर पोखरण। आपने पोखरण मूवी भी देखी होगी जिसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट नहीं करने देते हैं न्यूक्लियर का, और राजस्थान के पोखरण में करते हैं वो। आप देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग है वो, जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि इंडिया इतने सालों के बाद भी न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करने के लिए भी अलाउ नहीं था फॉरेन से। तो हमने साइन नहीं करी थी कहीं ट्रीटी, ठीक है, रिफ्यूज़ कर दिया था इंडिया ने। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन होंगे नेबरिंग स्टेट के साथ, ये बड़ी इजी पॉइंट है। उसके बाद आपका आ जाता है कॉमनवेल्थ मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन मेनली ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पहले ब्रिटिश एम्पायर के अंडर थी। इन द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वॉज कॉल्ड ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, बट एट द सजेशन, पंडित नेहरू के सजेशन पे ब्रिटिश रिमूव कर दिया 49 में। ऑर्गेनाइजेशन अब कहने लगे उन्हें कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। जैसे आप इंडिया का मैप देखते हो तो आपको वहाँ लिखा आता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कहीं कहीं लिखा आएगा कॉमनवेल्थ ऑफ उसका चाइल्ड या दूसरी कंट्री का। आप देखोगे इंडिया में क्या आता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया इतना आज़ाद हो चुका है, आप किसी का गुलाम नहीं है। आप ये नोटिस करना जब आप इंडिया का मैच देख रहे हो, कोई बैडमिंटन देख रहा है, कोई क्रिकेट देख रहा है, कोई भी मैच, ठीक है। अब क्या आता है ओपोजिशन टू इम्पीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, हम अगेंस्ट थे रेसिज्म के अगेंस्ट थे हम, ठीक है, ह्यूमन राइट की रिस्पेक्ट करते थे, न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर लेके आना चाहते थे, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, टेररिज्म जो ये आतंकवादी होते हैं हम इसके भी अगेंस्ट हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं सारे। परमानेंट सीट लेना चाहते हैं हम सिक्योरिटी काउंसिल में, हमें परमानेंट सीट नहीं है क्योंकि देखो अब हम लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री भी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी है, डेमोक्रेटिक भी हम, स्टेबल भी है, ग्रोइंग भी है, डेवलप होने के रास्ते में है, डेवलपिंग थी अब धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। आप G20 की मीटिंग्स देख सकते हो, ठीक है, आप ये देख सकते हो जितने भी ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं, इंडिया इज़ ए वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज में गिना जाना शुरू हो गया। अब सॉलिडेरिटी एंड कॉपरेशन विद एशियन कंट्रीज़ के साथ, ये आपके हो जाएंगे समिट्स, वो आपकी ट्रीटी ख़त्म हो गई है। क्या ख़त्म हो गया आपका, वो अभी प्रिंसिपल्स जो फॉरेन पॉलिसी के आपको 18 मार्क्स में मिलेगा ही मिलेगा क्वेश्चन। ये आपके क्या 5 पिलर्स, नरेंद्र मोदी के 5 पिलर्स पूछ लिए जाते हैं 2 मार्क्स में, और लॉन्ग में भी आपको ज़रूर लिखने हैं पंचशील, नेहरू के पंचशील लिखने हैं, मोदी के प्रिंसिपल्स लिखने हैं 5, कौन कौन से, सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति, 5S आपसे पूछ लिया जाता है, 5S क्या है मोदी के। मोदी जब आए थे गवर्नमेंट के अंदर तो उन्होंने 2015 में फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंज कर दिया थोड़ा सा, चेंज इन द सेंस कि आज की सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने 5 ऐसे प्रिंसिपल डाले जैसे पंचशील नेहरू जी ने डाले थे 54 में, तो मोदी जी ने भी 2015 में 5 अपने प्रिंसिपल डाले हैं। वो कौन से हैं, सम्मान, दूसरी कंट्रीज़ का हम सम्मान करेंगे, ऑनर करेंगे, संवाद, बातचीत करके मसले सुलझाएंगे, आपके ताल्लुकात ना बिगड़े दूसरी कंट्रीज़ के साथ तो आपके मसले जितने भी होंगे वो संवाद से सुलझेंगे, समृद्धि, प्रॉस्परस इंडियन प्रॉस्परस वर्ल्ड, शेयर करेंगे हम अपनी समृद्धि को, सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे जैसे कि अपनी सुरक्षा भी करेंगे ग्लोबल की भी, संस्कृति अपने कल्चर को आगे लेके जाएंगे। तो ये थे मोदी के 5 प्रिंसिपल, ठीक है, एक्ट ईस्ट ये आप देख सकते हो सारे, इंडिया पे फोकस रखेंगे, इंडियन पॉलिसी एंड गुजराल डॉक्ट्राइन, ये सारे वो बांग्लादेश के रिगार्डिंग आपकी कंट्री, आप ये देख सकते हो मैं आपको स्क्रॉल कर रही हूँ, जो प्रिंसिपल्स थे पंचशील थे मोदी के प्रिंसिपल थे वो आपको मैंने ऊपर सारे डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। ये ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे आए भी हैं आपको, फैक्टर्स बताओ, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिसीज़ बता दो, ठीक है, पॉलिसीज़ में की तरह ही फैक्टर्स हैं जो आपको ऊपर एक्सप्लेन करें, वही पॉइंट आप डाल सकते हो। पर कोई भी क्वेश्चन आए इसका एक बात याद रखना, आपने पंचशील नेहरू के
और मोदी के 5 प्रिंसिपल 2015 के, वो ज़रूर डालने फॉरेन पॉलिसी वाले क्वेश्चन में, ताकि आपको 90+ स्कोर कर सको अगर आपका आगे वाला सिस्टम भी सही चल रहा है, आगे वाले क्वेश्चन भी। यहाँ टीचर आपको 16 से ऊपर नंबर देगी अगर आपने नेहरू और मोदी के प्रिंसिपल लिख दिए फॉरेन पॉलिसी के, ठीक है। होप आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे आती रहे जो भी मैं चैप्टर कवर करूँगी। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।